अम्बाला में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पिछले दिनों हुई हड़ताल को लेकर चर्चा की गई व आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर को रोहतक में तालमेल कमेटी की बैठक में फैसला लेने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 3 दिसंबर को दिल्ली में हुंकार रैली में हिस्सा लेने की घोषणा ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन द्वारा की गई। आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें सभी डिपो के प्रधान सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया। और इस मीटिंग के अंदर जो पीछे हमारी लगातार 18 दिन 19 दिन की हड़ताल चली, उसके ऊपर सारा विचार विमर्श किया जाएगा और आगामी आने वाले समय में किस प्रकार का आंदोलन की तैयारी की जाए, क्योंकि 5 तारीख को अभी हमारी तालमेल कमेटी के रोहतक के अंदर बैठक है, उसमें आगामी आंदोलन का भी फैसला दिया जाएगा। तो इन सभी पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और जो सरकार के आदेश इस प्रकार के आ रहे हैं, कभी ओवर टाइम बंद करने के, कभी नाइट बंद करने के, पब्लिक को जो एक लगातार परेशान किया जा रहा है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं जो चलनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ओवर टाइम बंद ना करे, सरकार करे, वेलकम है उसका, 8 घंटे की ड्यूटी दे कर्मचारी से, लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक करे। अभी व्यवस्था ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, और एकदम इस प्रकार से बंद कर देना, ग्रामीण नाइटों को बंद कर देना, ग्रामीण लोग कहां पर जाएंगे, किस प्रकार से वो सुबह शहर में आएंगे, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज और उसमें आना है, इन सभी बातों पर आज जो सरकार के इस प्रकार के फरमान जारी हुए हैं उस पर जहां पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करके आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हाँ, अभी 5 तारीख की हमारी तालमेल कमेटी की बैठक है, उसमें जो फैसला आएगा। अभी तो हम आज की मीटिंग में, एक तो 3 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो कूच है, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल का, उसकी तैयारी के लिए है कि 3 दिसंबर को भी रोडवेज का कर्मचारी उसमें भाग लेगा। जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात है, वो तमाम मांगों को लेकर के हमारी जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन की तरफ से दिल्ली के अंदर हुंकार रैली रखी गई है। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।